अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। खोए के गुलाब जामुन है ये, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले खोए को जो है अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे हथेली की मदद से, इस तरह से। ये देखिए, हम इसको अच्छा सॉफ्ट कर लिए इसको। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नटमेग यानि जायफल, और थोड़ा सा नीडो पाउडर या कोई भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं इसमें। और यहां पर है एक चुटकी खाने का सोडा, और थोड़ा सा मैदा। मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ, मैं एकदम नहीं, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली मैं। अब इसको अच्छा मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, लेकिन ये जो है मेरा अभी भी चिपचिपा सा है, हल्का सा, तो इसको मैं थोड़ा अच्छा बनाने के लिए और इसका डो, तो और थोड़ा सा मैं इसमें मैदा डालूंगी। ये देखिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया पूरा खोआ, मैदा, मिल्क पाउडर और थोड़ा सा खाने का सोडा और थोड़ा सा नटमेग फ्लेवरिंग के लिए। अब मैं आपको एक बताती हूँ इसका बना के, इसमें क्रैक्स नहीं आना इसमें। ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्रैक क्रैक बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से हमारे बनना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरे बॉल्स हम बना लेंगे इसके। अगर अगर आपके मटेरियल में क्रैक्स आ रही तो आप इसको और थोड़ी देर अच्छा हाथ की हथेली की मदद से इसको अच्छा आप मिक्स करिए। इसको जितना सॉफ्ट मिक्स करेंगे आप, इतने सॉफ्ट और इतने स्मूथ अच्छे से आपके ये छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे। शीरा बना लेंगे इसके लिए हम, तो मैं ये कप से 2 कप शक्कर डालूंगी, मग से 2 मग पानी। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे इससे। इसमें एक इलायची का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़े से ज़ाफ़रान के काड़ियाँ, ये देखिए हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई। ये देखिए, ये हमारे बनके रेडी हो गए माशाल्लाह से। मैं ये मेजरिंग स्पून से पूरे ऐसे बॉल्स बना के रख ली पहले, ताकि पूरे एक ही शेप में होना। तो अब मैं इसको शेप दे रही हूँ ऐसा। चलिए, ये देखिए माशाल्लाह से, ये तकरीबन हमारे गुलाब जामुन बने 1 किलो खोवे में नियरली 50 के करीब बने मेरे गुलाब जामुन, और ये वाले साइज़ में पूरे यही साइज़ के हैं। चलिए, ये हमारे पूरे रेडी हो गए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो गया, मैं इस फ्लेम को कम पे कर दी एकदम सिम पे। अब हम यहाँ पे डालेंगे बिस्मिल्लाह। चम्मच हिलाते रहिए, नहीं तो वो एक साइड से डार्क एक साइड से लाइट कलर आ जाता। ये देखिए, मैं अब इसको निकाल रही हूँ।
कि ये मेरे, अब मैं देखिए आप हर तरफ से ये एक कलर में हुए, इसलिए इसको हिलाते रहना। अगर आप नहीं हिलेंगे इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो एक साइड से डार्क एक साइड से लाइट, तो दिखने में भी वो अच्छे नहीं दिखते। शीरे में डाल दूंगी इसको मैं, और यहाँ पे हम फ्लेम बिल्कुल कम कर दिए शीरे का। मेरा सेकेंड बैच जा रहा है इसमें। देखिए हमारे गुलाब जामुन में जो है कहीं से भी बबल्स नहीं है, ये हर तरफ से देखिए आप एक जैसा है। अगर समझो कि कहीं से बबल्स आ रहे हैं आपके गुलाब जामुन में, तो इसका मतलब इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा ज्यादा हो गया। तो फिर इसको आप जो है रोक के, आपका जो भी है पूरा मटेरियल, फिर से इसमें जो है आप थोड़ा मावा या थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड कर लीजिए या न्यूड पाउडर ऐड कर लीजिए। लेकिन इसका देखिए आप इस तरह से बनना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके। ये भी देखिए हमारे माशाल्लाह से पूरे एक जैसे हुए माशाल्लाह से देखिए आप, और इसमें भी कहीं पर भी बबल्स बने हुए या फिर एकदम कहीं से भी ये गुलाब जामुन जो है फटे हुए या टूटे हुए नहीं है बिल्कुल एकदम। अब इसको हम शीरे में डाल देंगे। ये हमारा माशाल्लाह से थर्ड बैच है। साथ आप जो है फ्लेम कम ज्यादा ऐसा करते रहिए, बिल्कुल भी एकदम कम पे भी मत रख दीजिए, एकदम फुल पे भी मत रख दीजिए। अभी मेरे को दिख रहा कि तेल मेरा अच्छा गर्म हो गया, तो मैं फ्लेम बिल्कुल सिम पे कर दी इसको। ये देखिए आप इंशाल्लाह इसको जरूर बनाइए और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसे बने आपके, फिर मैं आपको और अच्छे अच्छे स्वीट डिशेस लेके आऊंगी मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पे जो है मेरा जो शीरे का जो चूल्हा था स्टोव था इसको मैं ऑफ कर दी बिल्कुल भी। अब हमारा लास्ट बैच है। यहाँ पर आप ना गुलाब जामुन को ऊपर नीचे हिलाने की भी आपको जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इसमें शीरा भरते जाएगा वो खुद ब खुद पलटते जाएंगे। तो आप इसको छोड़ दीजिए ऐसे, अगर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे तो कल और टेस्टी दिखेंगे इसके, या 2-3 आवर्स तक भी आप रख सकते हैं इसको शीरे में, उसके बाद भी खा सकते। अगर ओवरनाइट रख के खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए मैं आपको एक डिश आउट करके बता रही हूँ कि कैसे बनिए। देखिए हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए, तो मैं आपको एक टेस्ट करके मैं बता रही हूँ कि कैसे बने ये मेरे गुलाब जामुन। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने ये। तो चलिए मैं मेरी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।